बरनाला जिले के गांव चीमा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है। कोरोना वायरस के चलते गांव में स्थित मस्जिद और पीरखाने को एकांतवास सेंटर बनाने के लिए पेशकश की गई है। मुस्लिम समुदाय के लोग कोरोना वायरस के चलते घर से नमाज अदा कर रहे हैं। इस मौके मुस्लिम समुदाय ने जिला प्रशासन से अन्य मदद करने की भी पेशकश की है। आजाद टीवी न्यूज के लिए बरनाला से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। असीं संजोग दिंदे आ गए पूरा पूरा सरकार नूं, जिहदे विच साडी मस्जिद पीरखाना जे प्रशासन नूं किसे किस्म दी भी कोई लोड़ पैंदी है इस चीज़ दी इस्तेमाल करन दी, तां कि साडा भाईचारा इस हक दे विच लड़ाई दे नाल लड़न नूं तैयार है। साडी भी जदों भी कोई लोड़ पैंदी है जिथे भी सानूं प्रशासन साडी ड्यूटी लाऊगी असीं सिर मत्थे नभावांगे। असी मसीत की नमाज़ जिहड़ी पढ़ते ही मसीत इकट्ठे हो के, ता कि साढ़े प्रधान साहब ने कहा कि भी आपो अपने घर नमाज़ पढ़ सकते हैं, इत्थे कट ना किया जाए, ता कि इसका यही हल है कि आप दूर रह के आपो अपनी साफ सफाई रख के इसका फायदा उठा सकते हैं। बड़े दुख की गल है, बड़ा अफसोस है कि रब ने एक इम्तिहान दे विच पाती दुनिया, सारी दुनिया, इस दे विच हिंदुस्तान भी है। हम चाहते हैं सब लोग मिलजुल के इस बीमारी का मुकाबला करें और जो भी सहयोग जो दे सकता है वो देवे। साडे मुस्लिम भाईचारे ने भी आज एक फैसला किया है कि साड़ी मस्जिद है और एक पीरखाना है जिदे इंचार्ज मुहम्मद यूसुफ है, मैं प्रधान है, असी वो जगह या मस्जिद या हमारी कोई भी चीज़ अगर प्रशासन नु लोड है वो ले सकता है जब तक दिल चाहे। तो लॉकडाउन किया गया उदो असी अगर सुमेट कर दी कि हर मुसलमान और हर बंदा अपने घरों घर विच रहे और मुस्लिम भाईचारे नु ये कहा कि नमाज जुमा भी और वैसी नमाज भी और शब रात पे भी सब अपने घर घर इबादत करें। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यही एक रास्ता है।